लास्ट में जाऊंगा मसाओ के घर। ये रहा। अच्छा तो ये मैं यहाँ रख देता हूँ और ये वाला ये यहाँ पर। मसाओ तुम क्या कर रहे हो? कलेक्शंस को संभाल रहा हूँ। और ये सब ठीक कौन करेगा मसाओ? फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं अपना कमरा भी साफ कर लूँगा। बस मुझे 36 मिनट और चाहिए और फिर उसके बाद मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगा और फिर उसी के हिसाब से चला करूँगा मॉम। तुम तो हमेशा अपनी चीजों को ठीक से रखते थे, आज क्या हो गया है तुम्हें? मॉम क्या आप शॉपिंग के लिए जा रही हैं? आज मुझे बहुत काम है। सबसे पहले मुझे जाना है टेलर के पास अपने कपड़े लेने, उसके बाद मुझे 45 मिनट लगेंगे सब्जी खरीदने में और फिर मैं जाऊंगी सुपरमार्केट खाने का सामान लेने। तुम घर का ख्याल रखना मसाओ, ठीक है? ठीक है, संभल के जाइएगा। ठीक है ठीक है, अब मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ वरना टाइम टेबल को फॉलो करना मुश्किल होगा। ठीक है तो ये वाला दरवाजा खोलो मसाओ। ये तो शिनचैन है, अब मैं क्या करूँ? आज तो मैं अपना कलेक्शन ठीक करना ही चाहता था, अब ठीक है मैं उसे मना कर देता हूँ। दरवाजा खोलो मसाओ। शिनचैन मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं भी मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए नहीं खेल सकता। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो तुमसे एक खाली बॉक्स लेने आया हूँ अपने कलेक्शन के लिए। वाह, खाली बॉक्स का कलेक्शन सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये तुमने कब शुरू किया? मैंने बस अभी अभी सोचा इस बारे में, तो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा तो बताओ क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है? मुझे अब जल्दी करना होगा नहीं तो मैं अपना टाइम टेबल पूरा नहीं कर पाऊंगा। बॉक्स दे देता हूँ ताकि वो जल्दी चला जाए। ठीक है थोड़ी देर रुको तो। जरा मुझे माफ करना। रुको। क्या हुआ? मुझे बाथरूम जाने। हाँ जाओ ना। तुम्हारा शुक्रिया। 3 मिनट बीत चुके हैं, अब क्या करूँ? अब जाकर आराम ले। जरा सुनो मसाओ, मैं अभी उसे ढूंढ रहा हूँ। ये स्नैक अच्छा लग रहा है। खाना है तो खा सकते हो। मैं अपने घर से खा कर आया हूँ, मैं तो बस स्नैक्स की तारीफ कर रहा था। तो क्या तुम नहीं खाना चाहते? थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ, ये तो बड़ा ही टेस्टी है। मुझे वो जल्दी ढूंढना होगा और इसे यहाँ से भेजना होगा। मसाओ क्या तुमने कुछ कहा? नहीं कुछ भी नहीं। शिनचैन देखो ना, क्या ये ठीक रहेगा? ये क्या है? क्या ये तो एक खाली बॉक्स है, तुम्हें तो कहा था कि तुम कलेक्ट कर रहे हो। तुमने सही कहा, मैं तो भूल ही गया था। सुनो लेकिन खाली बॉक्स कलेक्ट करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता मसाओ। मजा नहीं आ रहा इसका मतलब तुमने अभी शुरू भी नहीं किया। जरा इसे टेस्ट करके देखो। नहीं मुझे नहीं खाना। मैंने इसे जल्दी जल्दी खाया और मेरी जीभ जल गई। तुम ज्यादा ही खा रहे हो। तुमने सही कहा, मुझे कुछ पी लेना चाहिए जैसे अदरक की चाय या चॉकलेट मिल्क। तुम ऐसे ड्रिंक क्यों मांग रहे हो जो बनाना मुश्किल है? शिनचैन माफ करना, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम पूरा करना है। 8 मिनट्स और 42 सेकंड्स बिना कुछ किए ही बर्बाद हो गए। मसाओ तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। मैं भी स्केड्यूल के हिसाब से काम कर रहा हूँ, देखो मैं भी बहुत बिजी हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। आज का स्केड्यूल है लंच से पहले थोड़ा आराम करना है और लंच के बाद थोड़ा और आराम करना है। इसके बाद 3 से 5 का वक्त होगा मसाओ के घर जाने का। क्या तुम मेरे घर यहाँ पत्ती के लिए आए हो? मेरी बात सुनो, मुझसे बिना पूछे ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ तुम। नहीं मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। तुम परेशान ही कर रहे हो। अरे वो तो नैनी की आवाज है। कोई भी आवाज मत करना, समझे तुम? ठीक है। मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ मसाओ, क्या मैं रेडियो चला सकता हूँ? मैंने अभी क्या कहा तुमने नहीं सुना क्या? शायद घर पे कोई नहीं है। शायद घर पे कोई नहीं है।
उसकी कोई भी आवाज नहीं आ रही, लगता है वो चली गई। अब जाके सांस आई। तुम्हें अपनी सांस नहीं रोकनी चाहिए थी। फोन बज रहा है। हेलो जी, बोलिए। अरे तुम घर पर हो बताओ? तो फिर तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? तुमने अच्छा नहीं किया। नानी तुम बहुत ही बुरे हो मसाओ, तुम ऐसा दिखा रहे थे कि तुम घर पर नहीं थे। मेरा तो स्केड्यूल बिगड़ ही जाने वाला था। इसमें लिखा है आज के स्केड्यूल के मुताबिक ऑफिस का गेम मसाओ के साथ 5 बजे तक। हर किसी ने मुझे अपने टाइम टेबल में क्यों डाला है? मैं तुम्हारी स्केड्यूल में नहीं हूँ तो मैं घर चलता हूँ। शिनचान तुम्हारे घर पर आया हुआ है, ये मुझे पता नहीं था। रुको, तुम भी हमारे साथ खेल सकते हो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। दोस्तों की फिक्र तो करनी पड़ती है। तो स्केड्यूल के हिसाब से गेम शुरू करते हैं। मेरा टाइम टेबल बिगड़ गया, मैं क्या करूं? आज मसाओ करो ने कैसे वर्कर का है जो ठीक से काम नहीं करता। चलो शुरू करें। अरे मसाओ तुम कभी भी अपना काम ठीक से नहीं करते, मैं क्या करूं? कोई तो बताओ मुझे। लेकिन मैं तो अच्छे प्लान्स बनाता हूँ। मैं और शिनचान हमेशा अपना काम समय पर पूरा कर लेते हैं, लेकिन तुम हमेशा अपना काम बिगाड़ देते हो। अब सही कह रही है मैडम, ये हमेशा इसी का साथ देता है। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम जैसे आलसी कुलीग को काम के लिए कहा। क्या आप ये गर्म गर्म स्नैक्स खाएंगी? मसाओ तुम्हारा शुक्रिया, बाय बाय। तुम्हारे साथ खेलने में हमेशा मजा आता है। बाय बाय। बाय। मैं खुश हूँ कि मैंने स्केड्यूल के हिसाब से अपना काम पूरा कर लिया। मैं घर आ गई। जरूरी नहीं कि जिंदगी में जो काम जैसे सोचा हो वो वैसे ही हो। आखिर बात क्या है, मसाओ रो क्यों रहा है?